ओके, स्कोरबोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, राइट, हम शेड्यूलिंग है वो हमारी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक शेड्यूलिंग एक डायनेमिक शेड्यूलिंग। ओके, स्टैटिक शेड्यूलिंग कंपाइलर के थ्रू होती है और डायनेमिक शेड्यूलिंग हार्डवेयर के थ्रू होती है। ओके, तो दो टाइप्स की हमारे पास शेड्यूलिंग थी। तो जो डायनेमिक शेड्यूलिंग थी उसमें हमारे पास दो एल्गोरिदम है जिनके थ्रू डायनेमिकली शेड्यूलिंग हो सकती है, एक तो स्कोरबोर्डिंग थी, एक टोमोसोलो एल्गोरिदम। ठीक है, तो दोनों है। फर्स्ट हम स्कोरबोर्डिंग देखेंगे, उसके बाद टोमोसोलो है। तो एक तरीके की दो टेक्निक्स हैं डायनेमिक शेड्यूलिंग की। ठीक है, स्टैटिक शेड्यूलिंग कंपाइलर्स के थ्रू होती थी, जिसमें क्या होता था, जैसे कंपाइलर शेड्यूलिंग टेक्निक, लूप अनरोलिंग, सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग, सेपरेट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, मिनिमाइज द नंबर ऑफ हार्डवेयर हजार्स एंड स्टॉल्स, वो था। लेकिन डायनेमिक शेड्यूलिंग में क्या हो रहा था कि अगर हमारी स्टॉल्स आ जाती थी कहीं, अगर स्टॉल्स आ जाती है डायनेमिक शेड्यूलिंग में, तो उन स्टॉल्स में हम उन वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा देते जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? जो उन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, किसी के रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उन इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूशन करा दो ना, जिसकी वजह से स्टॉल्स कम आए, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। राइट, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डायनेमिक शेड्यूलिंग। तो ये दो तरीके से हो सकती है, एक स्कोरबोर्डिंग एंड एक टोमोसोलो। यहां तक क्लियर है? क्या फंडा था, क्या आइडिया था? ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली यही फंडा था अपना। ठीक है, तो बेसिकली यही की आइडिया था। देख, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले के एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारा थ्री इंस्ट्रक्शन है, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, दिस इज द डिपेंडेंस हियर। अगर जब तक ये राइट नहीं करेगा एफ नॉट, तब तक ये रीड कैसे कर सकता है? ठीक है, तो मान लो सेकंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में जब भी है, जब ये इंस्ट्रक्शन जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तब इसको एफ नॉट की जरूरत है, बट ये अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉल आ जाएगी। बट इस वाले इंस्ट्रक्शन को देखो, सब्ट्रैक्शन को, ये किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो इस इंस्ट्रक्शन को, ऐड को अभी ना एग्जीक्यूट कराते हुए हम सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूशन करा दें तो स्टॉल नहीं आएगी। इवन थ्रू एड स्टॉल्स, मतलब कि ये स्टॉल्स दे देगा, द सब्ट्रैक्शन है नो डिपेंडेंसी कैन रन, अपन रन करा सकते हैं। मतलब कि जो डायनेमिक शेड्यूलिंग होती है वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करती है। सेकेंड तो थर्ड पे डिपेंडेंट है क्या? एफ एट और एफ सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑन वन, राइट, थर्ड तो किसी पर डिपेंडेंट ही थर्ड नहीं है ना। नहीं, एफ एट उसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन को क्या क्या F2 मतलब F10 F0 और F8 है ना, तो F8 एफ एट डिपेंडेंट। अच्छा ये ओके। तो इस सिंपल में इसमें क्या हो रहा है, ये तो रीड कर रहा है, ये रीड कर लेगा, ये भी रीड कर लेगा, अच्छा, रीड आफ्टर रीड। रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा राइट आफ्टर राइट, राइट वो राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट और रीड आफ्टर राइट, ये रीड आफ्टर राइट है। ये कह रहा है रीड, भैया तुम रीड जब करना जब ये वाला भैया राइट कर दे। ठीक है, ओके। सो दिस इज द डायनेमिक शेड्यूलिंग इनेबल्स द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। दिस इज द बेसिक की आइडिया। बिकॉज ऑफ अगर कोई भी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है और कोई भी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है तो मानवदीप को उसको, लेटिंग कर हाँ, उसको बाद में शेड्यूल करा दे, तब तक कि नो डिपेंडेंसी वाले इंस्ट्रक्शन को अपन एग्जीक्यूट करा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द डायनेमिक शेड्यूलिंग। ठीक है, ओके। मानवदीप, हेलो मानवदीप। हाँ हाँ भाई, आ गया आ गया। ओके, तो तेरे को समझ में, तेरे को ये मैं रिपीट करूं क्या? मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, स्टैटिक शेड्यूलिंग, एक हाँ भाई, कर शेड्यूलिंग दे थी कर दे। स्टैटिक एंड डायनेमिक।
स्टैटिक शेड्यूलिंग जल्द कंपाइलर के थ्रू होती है, डायनेमिक हार्डवेयर के थ्रू होती है। हार्डवेयर शेड्यूलिंग में अपने पास दो एल्गोरिदम, एक पोमोसोलो एल्गोरिदम, एक स्कोरबोर्डिंग एल्गोरिदम। डायनेमिक शेड्यूलिंग में क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का, मतलब कि जरूरी है तुम इस एक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूशन करो, तुम आउट ऑफ ऑर्डर भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कर सकते हो। वही डायनेमिक शेड्यूलिंग का बेसिक आइडिया था। तो जैसे हम यहाँ देख रहे थे, तो देख रहा होगा एफ नॉट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो बिकॉज ऑफ इसकी वजह से जब तक ये राइट नहीं करेगा डिवाइड, तब तक ये फंसा रहेगा स्टॉल में। तो इस जो स्टॉल्स के दौरान हम सब्ट्रैक्शन को अगर एग्जीक्यूशन करा दें तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, स्टॉल्स कम हो सकती है। बेसिकली यही आइडिया है, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉल, हजार्ड्स एंड स्टॉल्स। ओके, तो ये हमारे जो डायनेमिक शेड्यूलिंग है इनेबल्स द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्कोर बोर्डिंग में। तो बेसिकली इन द स्कोर बोर्डिंग वी हैव अ फोर स्टेजेस, हमारे पास चार स्टेजेस होती हैं। मैं तुम्हें स्टेजेस दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्टेजेस। स्टैटिक स्कोर बोर्डिंग एंड एंड टोमोसोलो बोथ आर डायनेमिक शेड्यूलिंग। ये एक एल्गोरिदम है जो कि स्कोर बोर्डिंग है, जिसके थ्रू अपन डायनेमिक शेड्यूलिंग कर सकते हैं। टोमोसोलो भी एक दूसरी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो भी डायनेमिक शेड्यूलिंग होती है। दोनों एल्गोरिदम है जिसको डायनेमिक शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, स्टैटिक शेड्यूलिंग तो कंपाइलर के थ्रू होती है। हमारे पास मे बी किसी काम को करने की डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकती हैं। तो डायनेमिक शेड्यूलिंग कंप्यूटर में अगर तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं, वन इज डायनेमिक शेड्यूलिंग, वन इज स्टैटिक शेड्यूलिंग। तो हम स्टैटिक शेड्यूलिंग अभी समझना है, अभी समझ में वो सॉरी क्या बोला, स्कोर बोर्डिंग, स्कोर बोर्डिंग एंड टोमोसोलो है हमारे पास। तो अभी हम स्कोर बोर्डिंग समझ रहे हैं, राइट राइट ओके ओके भाई ओके ओके तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे वॉर एंड वॉर। ठीक है, वॉर एंड वॉर मतलब कि राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट। अगर ये वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे चल के देख। ठीक है, तो बेसिकली स्कोर बोर्डिंग में हमारे पास चार स्टेजेस होते हैं, राइट, चार स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं मैं बताता हूँ, तुम बस समझ लो इस चीज को। इस वाले पेज की सर बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स है ये, बहुत ज्यादा। सर को भी ये वाली नॉलेज नहीं थी, ये वाली नॉलेज मुझे नहीं पता ये किसकी स्लाइड है, किसने लिखा है, लेकिन ये बहुत गजब की इंफॉर्मेशन इस पे लिखी हुई, इस वाली स्लाइड पे, पर्टिकुलर इस वाली स्लाइड पे, क्योंकि सर भी मतलब किसी ये तेरी नहीं है, क्या, ये प्रेजेंटेशन तेरी नहीं है। ये मेरी नहीं है, किसी दूसरे टीचर की है भाई। मैं बनाऊंगा, इतना मेहनत मैं करूंगा, ये तो और काम नहीं है क्या मेरे पास। लगता तो नहीं है। अच्छा सही है यार ओके ठीक है। तो इशू फर्स्ट स्टेज होती है इशू तो क्या लगता है मैं एचपीसी पढ़ता रहता हूँ यार सही है ओके इशू तो फर्स्ट स्टेज होती है इशू। तो इश्यू स्टेज में क्या होता है, वी आर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग फॉर स्ट्रक्चरल, कोई भी हजार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि इन इश्यू स्टेज वी आर ओनली वन, एक हजार्ड देखते हैं जिसको बोलते हैं वॉर, ओनली एक, किसी दूसरे हजार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, और भी हजार्ड होते हैं, तो मैं कोई भी हजार्ड चेक करने की जरूरत नहीं, ओनली एक हजार्ड चेक कर लो वॉर। राइट आफ्टर राइट हजार्ड नहीं होना चाहिए, और वो फंक्शनल यूनिट फ्री होनी चाहिए। अगर वो फंक्शनल यूनिट फ्री है, वो हजार्ड नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चरल हजार्ड नहीं है, तो सिंपली तुम उसको इशू कर दो, उस इंस्ट्रक्शन को इशू कर दो, मतलब कि इशू दी इंस्ट्रक्शन, सिंपली उस इंस्ट्रक्शन को इशू कर दो और फंक्शनल यूनिट में अपडेट कर दो इंटरनल डेटा अपडेट कर दो। ये सब कैसे हो रहा है, अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अगर मान लो वो हजार्ड है ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वहां पर स्टॉल्स डाल देंगे, इशू द स्टॉल्स, देन द इंस्ट्रक्शन इशू स्टॉल्स एंड नो फर्दर इंस्ट्रक्शन विल इशू। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन जो जो इंस्ट्रक्शन का इशू एग्जीक्यूशन होता है वो इन ऑर्डर ही होना है, उसको आउट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देन द इंस्ट्रक्शन इशू स्टॉल एंड नो फर्दर इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड अंटिल द जी हजार्ड, तब तक क्लियर नहीं हो जाता। तो मैं इसको मैं समराइज करता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ। अगर इशू स्टेज है, फर्स्ट स्टेज होती है इशू, तो उसमें चेक करेंगे कोई भी वो हजार नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर हजार नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, तो हम चेक करेंगे फंक्शनल यूनिट फ्री होनी चाहिए,
अगर फंक्शनल यूनिट फ्री है तो उस इंस्ट्रक्शन को सिंपली इशू कर देंगे और फंक्शनल यूनिट का इंटरनल डेटा को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। क्या बोला, स्ट्रक्चर एनालिटी वहां नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक स्ट्रक्चरल हायर नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है और फंक्शनल यूनिट फ्री है तो इंस्ट्रक्शन को इशू कर देंगे। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट के इंटरनल डेटा को अपडेट कर देंगे। ओके, ये अपडेट वाला नहीं समझ रहा है, फिर से बताना। हाँ, ये अपडेट वाला नहीं समझ रहा है। कौन सा? दिस मिनट, अरे अपडेट वाला नहीं आया तुम्हें? 1 मिनट, इरेज कैसे करूँ? ये क्या कर दिया तुमने? जादू भैया कंट्रोल जेड नहीं काम कर रहा? क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। ठीक है, हमारे भाई को समझ में नहीं आया, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी वो हजार नहीं होना चाहिए और कोई भी स्ट्रक्चर हजार नहीं होना चाहिए और फंक्शनल यूनिट फ्री होनी चाहिए, तो हम उस इंस्ट्रक्शन को इशू कर देंगे, उस इंस्ट्रक्शन को इशू कर देंगे और इंटरनल डेटा के, फंक्शनल यूनिट के इंटरनल डेटा को अपडेट कर। अभी तुम इतना समझ लो, तुम आगे एक एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाए। अब तुम्हें समझ में आया? ठीक जी भैया आ गया। है, हमारे भैया जी आ चुके हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हजार, अगर कोई वो हजार एग्जिस्ट करता है मतलब कि है, तो स्टॉल्स डाल देंगे और जब तक कोई इंस्ट्रक्शन फर्दर इशू नहीं करेंगे जब तक ये हजार क्लियर नहीं हो। सिंपल, तुम्हारा रीड ऑपरेंड देखते हैं। सेकंड सेकंड जो स्टेज होती है वो रीड ऑपरेंड होती है, मतलब कि अगर दोनों ऑपरेंड अवेलेबल हैं तो हम रीड कर सकते हैं। सिंपल, वेट अंटिल नो डेटा हजार्स, कोई भी डेटा हजार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा डेटा हजार नहीं होना चाहिए? रॉ, वहां वो चेक करते हैं या रॉ चेक करते हैं। अगर रॉ डेटा हजार नहीं है और स्ट्रक्चर हजार नहीं है, इट मींस वी कैन रीड दी ऑपरेंड्स। सिंपल, वी कैन रीड दी ऑपरेंड्स। तो देखो, पढ़ो, वेट अंटिल नो डेटा हजार्स देन रीड ऑपरेंड्स, मतलब कि आ सोर्स ऑपरेंड इज अवेलेबल, मतलब कि दोनों सोर्स ऑपरेंड अवेलेबल है। इफ नो अर्लियर इशू एक्टिव इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू राइट, मतलब कि रॉ, कोई ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन राइट नहीं करने वाला है गेट किसी लॉक भी कर दो, सोर्स इंस्ट्रक्शन को, गेट लॉक कर दो मतलब फिर खुला। इसका मतलब यही है बस। अगर रॉ नहीं है, ऑपरेंड्स अवेलेबल है, तो इट मीन सिंपली वी कैन रीड दी डेटा, वी कैन रीड दी डेटा। व्हेन सोर्स ऑपरेंड्स आर अवेलेबल, द स्कोरबोर्ड टेस्ट द फंक्शनल यूनिट टू प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड टू रीड द ऑपरेंड्स। सिंपल भाषा में समझो, अगर कोई भी रॉ हजार्ड नहीं है तो सिंपल, और सोर्स ऑपरेंड अवेलेबल है, तो मींस हम डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब कि ऑपरेंड्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे एग्जीक्यूशन के लिए चले जाएंगे। राइट, राइट ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन के लिए चलेंगे। थर्ड यूनिट होती है एग्जीक्यूशन, मतलब कि ऑपरेंड्स आर अवेलेबल, सिंपली सिंपली एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूशन कर दो और राइट बैक वाली यूनिट को बता दो कि भैया एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चौथी स्टेज होती है राइट बैक, राइट रिजल्ट। राइट रिजल्ट में डेटा को राइट करने से पहले चेक करेंगे वॉर हजार नहीं होना चाहिए। अगर वॉर हजार नहीं है तो वी कैन सिंपली राइट दी डेटा, जैसे यहाँ चेक करते हैं, यहाँ वॉर है, राइट आफ्टर रीड। अगर मैंने F8 को राइट कर दिया, मतलब कि जो F8 की वैल्यू थी, F8 की वैल्यू को मैंने ओवर राइट कर दिया, थोड़ी देर बाद अगर ये भैया रीड करने आएगा तो गलत वैल्यू को रीड कर लेगा, तो हम चेक करेंगे। अगर वॉर नहीं है तभी हम राइट करेंगे, अदरवाइज तब तक वेट करेंगे जब तक ये भैया रीड नहीं कर लेता एड वाला। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन स्टेज, वी हैव अ फोर स्टेजेस। वन इज इशू, इश्यू सेकंड रीड ऑपरेंड, थर्ड मीटिंग ऑन करके अच्छा क्या होता है। एग्जीक्यूशन, फोर्थ राइट बैक। ठीक हो है, गया, हो गया। बोलो क्या उसके क्या हुआ। राइट रिजल्ट, राइट रिजल्ट हाँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, यहाँ जो भी तुमने अभी तक समझाया मेरे को बताओ, कुछ कौन कौन सी चार स्टेज होती हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, इश्यू होता है, दूसरा होता है, बोलूँ बोलो बोलो। क्या बस अरे बोलो, रीड आउट, फोटो,
कौन कौन सी स्टेज होती हैं? बताओ इसमें कौन सा हजार चेक करते हैं? ना इसमें रीड आफ्टर राइट चेक करते हैं वो, राइट आफ्टर राइट हाँ इसमें हाँ ओके, दिस इज क्लियर, ओके गुड। टेबल बनाना ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है ना, फंक्शनल यूनिट स्टेटस होता है, मतलब कि इंडिकेट्स, मतलब कि कौन सा फील्ड क्या कर रहा है। तो हमारे पास 9 फील्ड होते हैं, एक बिजी होता है, मतलब कि वो फंक्शनल यूनिट बिजी है और नहीं है, कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, सोर्स रजिस्टर क्या है। फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूस करती है सोर्स रजिस्टर को, और फ्लैग इंडिकेट्स कि वो रजिस्टर रेडी है और नहीं। ठीक है, तो वी हैव 9 फील्ड्स, वन इज बिजी, वन इज ऑपरेशन, डेस्टिनेशन रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर, फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूसिंग सोर्स रजिस्टर होते हैं, और ये फ्लैग इंडिकेट्स मतलब कि वो रजिस्टर अवेलेबल है और नहीं। और उसके बाद हमारे पास एक और वो होता है, एक और स्टेटस होता है, रजिस्टर रिजल्ट स्टेटस, मतलब कि कौन सी यूनिट उसको उस रजिस्टर को अपडेट करने वाली है, मतलब कि कौन सी फंक्शनल यूनिट विल राइट ईच रजिस्टर, कौन से रजिस्टर को राइट करने वाली है, बस इतना समझो। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सब लोग ध्यान से समझो। ठीक है, ये नॉर्मल एक एग्जाम्पल है स्कोरबोर्डिंग का, ये अगर समझ में आ गया तो आगे फर्दर तुम्हारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 8 नंबर के लिए तुम यही है, कम से कम 8 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, हाँ पूरा एक 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर डिजर्व करता है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? सीरियस यार कोई हाँ भी नहीं बोलता है, मैं ऐसा लगता हूँ। चलो भैया, सीरियस सीरियस लाइट प्रीवियस लाइट मेरे को स्क्रीनशॉट लेना क्या दिक्कत है, कौन है हाँ 1 सेकंड नहीं अरे वो सी स्लाइड, विच वन? अरे वो जिसमें वो दिखाया ना कि मल्टीप्लिकेशन इतना स्टेप्स लेता है वो नहीं नहीं ये नहीं वो क्वेश्चन वाले का एक स्टेप 1 स्लाइड आगे ये इसमें था ना कि मल्टीप्लिकेशन के 14 स्टेप से ऐसा होता था ना वन तो हाँ हाँ वेट 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 ये तो मैंने दिखाई भी नहीं। हाँ पर मेरे को याद है मैंने देखा था ना ये स्लाइड हाँ तो मैं उसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आगे, ये बिना इसके तो थोड़ी आगे बढ़ूंगा। हाँ लेकिन रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ ओके, मैं आई थिंक मैंने तुमको पूरा स्लाइड सेंड किया हुआ है। हाँ 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 ओके ठीक है, तो मैं फर्दर इशू करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ वो तो कोई अरे ज्यादा निकिता, आगे नहीं बढ़ेगा निकिता लिख रहा है अरे हाँ अरे हाँ समझ रही मैं गलत नाम लिखता हूँ ना, सॉरी, मुझे हाँ निकिता बोल अरे दिया था एच है यार के बाद के क्या बाद एच है याद करना पड़ेगा इंग्लिश चलो इतनी खराब है मेरी। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करता हूँ। साना समझ में आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है ना? हाँ ओके ओके, मैंने कुछ नहीं पूछा मानवदीप समझ में आ रहा है? ऋषि को सुनने मत में पढ़ा प्लीज क्या क्या कर रहा हूँ मैं मन ना आगे बैठ। चलो सब कुछ ठीक है ठीक है, रुक तो जरा क्या किया मैंने शाना अरे आगे कोई पढ़ा लो दिखाई नहीं आ रहा चल आगे पढ़ा लो मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं रूम में रहने के लिए। ओके ओ okay. हो रहा ओके, इंस्ट्रक्शन स्टेटस, उसमें देखो जनरली तुमको इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, दिस इज अवर सोर्स रजिस्टर, दिस इज अवर डेस्टिनेशन रजिस्टर, दिस इज अवर सोर्स, राइट, दिस इज अवर सोर्स, तो इस तरीके से तुम्हें दिया होगा। तो तुमको जनरली, अब मैंने बोला था तीन तीन स्टेटस होते हैं अपने पास, तीन होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन स्टेटस जो कि ये रहा, फंक्शनल यूनिट ये रहा, और रजिस्टर रिजल्ट स्टेटस तो ये स्टेटस रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए, इसको कैसे हाइड करें? मैसेज ट्रैक कर लेंगे
कहाँ जाना है? ऊपर कर दे थोड़ा, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं, तो जनरली ठीक है। अभी तक क्या है ना, सारी सारी स्टेट, सारी जो यूनिट्स हैं बिजी, कोई भी बिजी नहीं है। नो 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 नो, सिंपल। अब बात करते हैं फर्स्ट क्लॉक साइकिल, अब यहाँ खेल स्टार्ट होने वाला है ठीक है। तो उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फंक्शनल यूनिट एग्जीक्यूशन के लिए कितनी कितनी साइकिल्स लेती है ठीक है। तो इंटीजर फंक्शनल यूनिट ओनली विल टेक ओनली वन साइकिल, मल्टीप्लाई टेक 10 साइकिल, एड टेक 2 साइकिल एंड डिवीजन टेक 40 साइकिल। दिस विल इंटीजर गिवन में इन क्या द होती है? क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड अलग अलग से, तो फिर इंटीजर में बची क्या या? हाँ मतलब क्या समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है क्या? ओके नहीं, मतलब मैं बोलूँ कि इंटीजर में तो फिर अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सी फंक्शनल यूनिट कितनी कितनी साइकिल्स ले रहे हैं। इंटीजर मींस नॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन, लोड एंड स्टोर। ओके, लोड एंड स्टोर, लोड एंड स्टोर वो कितना ले रहा है। ये तो एडिशन, ये वाली फंक्शनल यूनिट करेगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई करेगी, ये डिवीजन करेगी। ओके तो दिस इज अवर, बेसिकली हमको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हमको एग्जीक्यूट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज डिपेंडेंसी ग्राफ, वेरी वेरी सिंपल। इफ यू वांट देन आई विल एक्सप्लेन यू, अदरवाइज लीव इट। एक्सप्लेन। तो कोई अगर इसको चाहेगा एक्सप्लेन के लिए, मैं इसको कर सकता हूँ। ये किस हाँ तरीके हम से ड्रॉ चाहते हुआ हैं है, कि एक्सप्लेन ये किस तरीके से ड्रॉ करो, हुआ है, ये ड्रॉ करना बहुत ज्यादा आसान है। एग्जाम में आना पड़ेगा। मुझे पहले नहीं पता एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, स्लाइड में है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर। वो वाला बता दे जो पहले ठीक है, बता रहा था। ओके ओके। तो जनरली दिस इज द एग्जांपल, हमारे पास इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम क्लॉक साइकिल वन पे चलते हैं। इन अ क्लॉक साइकिल वन तो हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे सिंपली। अब मुझे बताओ, हम बॉज हार्ड चेक करेंगे? कोई भी बॉज हार्ड नहीं है, फंक्शनल यूनिट भी फ्री है। मतलब कि लोड के लिए हमें जो फंक्शनल यूनिट चाहिए वो इंटीजर चाहिए। ओके, फंक्शनल यूनिट इज फ्री, देयर इज नो स्ट्रक्चर हजार्ड, देयर इज नो बॉज हार्ड, तो वी कैन सिंपली इशू द इंस्ट्रक्शन मीन इन द क्लॉक साइकिल वन। तो क्लॉक साइकिल वन, यहाँ पर क्लॉक साइकिल लिखेंगे, तो क्लॉक साइकिल वन पे हमने ये इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया, और मैंने जो बोला था उसी टाइम पे तुम्हें फंक्शनल यूनिट के स्टेटस को अपडेट करना है। तो फंक्शनल यूनिट के स्टेटस को अपडेट करने के लिए हमने अपडेट किया, यस नाउ दिस इज बिजी, विच ऑपरेशन ये यूनिट कर रही है, लोड ऑपरेशन। वॉट इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर, F6। किसी को समझ में नहीं है तो बता देना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये ठीक है। एफ बहुत वाई एफ जी एफ टी क्या है? दिस इज दी सोर्स रजिस्टर, दिस इज डेस्टिनेशन, दिस इज सोर्स रजिस्टर, राइट? ओके, अच्छा, हाँ सही है, समझ के समझ। तो डेस्टिनेशन क्यू रजिस्टर जे क्यू के F6, क्यू, और ये जो क्यू जे क्यू के ये सब क्या है? QJ QP किधर है? यहाँ पर ये है। यही हाँ तो मैंने हाँ बताया था कि फंक्शनल यूनिट के 9 फील्ड होते हैं, एक बिजी फील्ड होता है, एक ऑपरेशन फील्ड होता है, दिस इज डेस्टिनेशन रजिस्टर, दिस इज दोनों सोर्स रजिस्टर एंड फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूसिंग द सोर्स रजिस्टर। ये सोर्स रजिस्टर है, फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ठीक ये फ्लैग है फंक्शनल सोर्स रजिस्टर के, कि ये वाले अवेलेबल है और नहीं। तुम फर्दर आगे चल के देखो कि समझ में आएगा क्या क्या लिखना होता है ठीक है। तो इन अ क्लॉक साइकिल वन वी आर सिंपली इशूइंग दिस इंस्ट्रक्शन एंड अपडेट दी फंक्शनल यूनिट स्टेटस, यस लोड ऑपरेशन नाउ F6 एंड दिस इज R2 एंड R2 इज अवेलेबल, यस दिस इज सिंपली इमीडिएट वैल्यू, सो नो नीड टू राइट हियर, नाउ दिस इज क्लियर। एंड जो भी F6 होगा, क्या मीटिंग कट गई क्या, चल रही है? ओके तो जो भी जो F6 है, मतलब जो डेटा F6 में आने वाला है, कौन सी यूनिट राइट करने वाली, इंटीजर। तो यहाँ सिंपली F6 विल राइट इंटीजर, खत्म। इन अ क्लॉक साइकिल टू, इन अ क्लॉक साइकिल टू वी आर सिंपली वी आर गोइंग हियर, राइट? मतलब अभी अभी इस पे नहीं आएंगे। इन अ क्लॉक साइकिल टू हम रीड करेंगे, इसके डेटा को रीड करेंगे, राइट? इसके डेटा को रीड करेंगे, तो मतलब दोनों जो भी सोर्स है, एड्रेस है, मैंने क्या बोला था, रीड ऑपरेंड के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी रॉ हजार्ड नहीं होना चाहिए, रीड आफ्टर राइट नहीं होना चाहिए, और दोनों सोर्स रजिस्टर अवेलेबल होने चाहिए। तो बोथ सोर्स रजिस्टर आर अवेलेबल, ओनली एक ही सोर्स रजिस्टर है, एक तो इमीडिएट बोली है वैल्यू है, वो तो हमेशा ही अवेलेबल है, तो दिस इज अवेलेबल, यस। तो वी कैन सिंपली रीड, तो इन अ क्लॉक साइकिल टू वी कैन रीड, बट साइमल्टेनियसली इन अ क्लॉक साइकिल टू हम देखेंगे क्या हम इस वाले इंस्ट्रक्शन को इशू कर सकते हैं, दूसरे इंस्ट्रक्शन को। ओके लेट्स चेक, सो फॉर इशूइंग दिस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट वी विल चेक, कोई भी बॉज हार्ड नहीं होना चाहिए, तो कोई यहाँ तो बॉज हार्ड नहीं है, तो उसके बाद चेक करेंगे कि फंक्शनल यूनिट शुड बी फ्री, राइट? तो फंक्शनल यूनिट के पास जाएंगे, ओहो
ये तो बिजी है। एक ही फंक्शनल यूनिट है हमारे पास इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर फंक्शनल यूनिट लोड ऑपरेशन कर सकती है, जो कि बिजी बिजी है। किस ऑपरेशन के साथ? लोड ऑपरेशन के साथ, फर्स्ट वाले उसके साथ। तो मींस वी हैव टू वेट जब तक कि ये वाला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इस यूनिट को फ्री नहीं कर सकता, फ्री नहीं कर दे, तब तक कहेगा अरे ठीक है ये वाला इशू नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई को इशू कर दो। नहीं, मींस आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन अवेल, मतलब कि अलाउड है, बट जो इशू है ना वो इन ऑर्डर ही होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन का जो इशू इशू है वो इन ऑर्डर ही होना चाहिए, मतलब कि अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो सकता तो फर्दर कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो सकता, ठीक है। तो वी हैव टू वेट फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इन अ क्लॉक साइकिल टू वी सिंपली रीड द ऑपरेंड एंड कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू नहीं होगा, मतलब दूसरा इंस्ट्रक्शन इशू नहीं होगा, ठीक है। सो यही लिखा है, कांट इशू इंटीजर बिकॉज ये दिस इज बिकी, और ये हम मल्टीप्लाई को भी इशू नहीं कर सकते बिकॉज इन ऑर्डर इशू, ठीक है, बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर इशू। सो आई होप क्लियर। इन अ क्लॉक साइकिल थर्ड, एक एक ही साइज लेता है लोड, तो एक ही स्लो साइज, तो क्लॉक साइकिल थर्ड में ये कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉक साइकिल फोर में ये अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद ये क्या कर देगा, क्लॉक साइकिल फोर में जैसे ही अपडेट करने के बाद ये फंक्शनल यूनिट को कर देगा नो, नाउ आई एम फ्री, ये सब हटा देगा, फ्री, ये फ्री हो गया, ठीक है। इन अ क्लॉक साइकिल फाइव क्या होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन इशू होगा, राइट। इन अ क्लॉक साइकिल फाइव ये वाला इंस्ट्रक्शन इशू होगा, सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन इशू होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसने फंक्शनल यूनिट को फ्री कर दिया, ठीक है। तो इन अ क्लॉक साइकिल फाइव वी कैन इशू दी लोड टू इशू कर देंगे। तो सिंपली इन अ क्लॉक साइकिल फाइव, तुम यहाँ देख रहे होंगे, इन अ क्लॉक साइकिल फाइव हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को इशू कर देंगे और इस फंक्शनल यूनिट के डेटा को अपडेट कर देंगे, यस दिस इज नाउ बिजी इन लोड इंस्ट्रक्शन, और अब जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो F2 बन चुका है, और जो सोर्स रजिस्टर है ये है R3, दिस इज सिंपली इमीडिएट वैल्यू। अब R3 इज अवेलेबल और नॉट, यस दिस इज अवेलेबल, अभी तो किसी ने यूज नहीं करी है, एक अलग से वैल्यू है, तो दिस इज अवेलेबल, राइट। सो नाउ टेल मी F2 को जो राइट करने वाला है, ये एक इंटीजर इंटीजर फंक्शनल यूनिट राइट करने वाली है, तो हम यहाँ अपडेट करते हैं, राइट। इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स क्या होगा, कोई मुझे बताओ, इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स क्या होगा, कोई मुझे बताओ। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्लॉक साइकिल सिक्स में क्या हो जाएगा, लोड होगा ना, मतलब क्या लोड होगा, मल्टीप्लिकेशन इनिशियलाइज हो जाएगा, इशू होगा, इशू इशू होगा। हाँ क्यों इशू कर सकते हैं अपन, हाँ हाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का वो जो है वो तो ऑक्यूपाइड नहीं है ना। मतलब फंक्शनल यूनिट फ्री है, तुम ये कहना चाहती हो, हाँ, बट ये 1000 है फिर यहाँ। तो हम लेकिन लेकिन हम इनिशियलाइज, लेकिन हम इशू तो करवा ही सकते हैं ना, इवन इफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। दो कंडीशन था, फंक्शनल यूनिट शुड बी फ्री एंड देयर इज देयर नो, कोई भी हजार नहीं होने चाहिए, मतलब कौन सा हजार नहीं होने चाहिए, कोई और बताएगा मुझे। और नहीं होना चाहिए ना, हाँ मतलब फंक्शनल यूनिट तो फ्री है लेकिन एक हजार है ना, क्या हम इशू कर सकते हैं ना, मतलब क्लॉक साइकिल सिक्स मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को इशू कर सकते हैं या नहीं, कौन बताएगा मुझे। यार देखो ये ऑकवर्ड हो तो मेरे को बता दो, मैं नहीं पूछूंगा, बट मुझे लगता है कि अब ये कोई वो नहीं है, मतलब तुम सीख रहे हो चीजों को तो बताना। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और तुम भी अपना टाइम दे रहे हो, भाई सही बात है, तुम्हारे लिए भी जरूरी है, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, तो तुम अगर समय अगर दे ही रहे हो अच्छे से तो समझ ही लो, फायदा क्या है ना। मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर मतलब तुमने गलती कर ली है मेरे से पूछ के, बड़ी पढ़ा दोगे, तुम क्लास में आ गए हो, मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा काम है मैं जा रहा हूँ झूठ बोल के ठीक है, तो बोल लो यार, पार्टिसिपेट करो, फायदा तुम्हारा ही है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो ये स्लाइड्स इजी है। हम लोड भी नहीं कर सकते अगर हजार है तो। मैंने तुमने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, तुम कर सकते हो, तुम सही हो, बट तुम सही हो मुझे पता है, लेकिन W8W ना, दोनों हाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम करेंट करेंट पॉइंट पे नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारा सही है, लोड तो कर सकते हैं, मैंने बोला था जो बोला था उसी पे ध्यान देना, तभी तो सर बोल रहे थे वो इतनी यूजफुल स्लाइड थी वो वाली, इसलिए तो बोल रहे थे फंक्शनल यूनिट शुड बी फ्री एंड नो वॉ हजार, कोई भी दूसरे हजार से मैं मतलब नहीं, अगर वॉ नहीं है तो हम सिंपली इशू कर देंगे, तो यार ये तो रीड आफ्टर राइट है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हम तो इशू के टाइम पे इसको देखेंगे नहीं, हम वॉ अच्छा देखेंगे, सही,
ठीक है, हम वॉ देखेंगे, तो वॉ नहीं है ये रॉ है, तो कोई मतलब हम इशू कर देंगे ठीक है। तो इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स, इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स ये दोनों ऑपरेशन अवेलेबल है, तो यहाँ सिक्स पे चले जाएंगे और इसको इशू कर देंगे। ओके ठीक है, तो यही होगा, देखते हैं। तो इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स वी आर सिंपली इशूइंग दिस इंस्ट्रक्शन एंड साइमल्टेनियसली वी आर अपडेटिंग द डेटा इन द फंक्शनल यूनिट। यस दिस इज मल्टीप्लाई ऑपरेशन, एफ नॉट, एफ टू, एफ फोर, एंड एफ टू इज डिपेंडेंट ऑन इंटीजर फंक्शनल यूनिट। नाउ समझ में आया, प्रोड्यूसिंग द सोर्स रजिस्टर कौन सी को, ये क्या कर रहा है अब, ये क्या अपडेट होने वाला है, मतलब कि अब ये फ्लैग इंडिकेट कर रहा है कि नो अवेलेबल नहीं है, राइट। अब कहाँ कहाँ लिखना है समझ में आया, और ये एफ नॉट को कौन सी फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूस करने वाली है, मल्टीप्लाई। वी आर अपडेटिंग हियर इन अ क्लॉक साइकिल सिक्स। नाउ टेल मी, ये सब यहां तक सबको समझ में आया? हाँ भाई, ओके, इन अ क्लॉक साइकिल सेवन में क्या होने वाला है, मुझे को कोई बता दो। क्लॉक साइकिल सेवन भाई, शूट होगा ना सेकंड वाला लोड। मतलब तुम कहना चाह रही हो क्लॉक साइकिल सेवन में क्या होगा, बताओ मेरे को। लोड होगा, लोड जो सेकंड वाला लोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके गुड, एंड वैसे क्यों होगा? क्यों एग्जीक्यूट होगा ये? अबे मल्टीप्लिकेशन वाले को चाहिए ना, तो F2 इसलिए इसको एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना, तो जो भी रीड, क्योंकि रीड ऑपरेंड करेगा, रीड ऑपरेंड में चाहिए डिपेंडेंसी है जो भी F2 की। मतलब ये इसको ये एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा, क्यों जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई भेज रहा है। ना अभी मल्टीप्लाई को चाहिए ना F2, तो इसलिए तो मैं पूछ ही रहा हूँ जैसे ऐसे, बट अच्छा अच्छा ओके, और क्या होगा? मल्टीप्लाई और क्लॉक, चलो ठीक है, ये एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, और क्लॉक साइकिल सेवन में क्या क्या होगा? मल्टीप्लाई एग्जी क्या होगा, रीड ऑपरेट करेगा है? तो उसमें वो देखते देखते रीड करेगा, हजार क्या रहता था तो रीड वालों में वो क्या समझ में रहता नहीं था कि आया? वॉर रहता, रीड ऑपरेंड में वॉर हजार देखते हैं कि रॉ हजार देखते हैं। रॉ देखते हैं, रॉ हाँ तो नहीं होगा ना। मतलब ये रीड नहीं कर सकता, राइट। क्या हम हाँ इस वाले को क्योंकि इशू कर सकते हैं फिर? विश्व के वहां कर सकते हैं कि क्या वो देखते हैं ना, इसमें हाँ वो देखते हैं तो कर फंक्शनल यूनिट सकते भी है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू